हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू मेकअप ट्यूटोरियल। आज का मेकअप ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऑलरेडी आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो बहुत अच्छी बात है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो अब मैं मेरा मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं किसके ऊपर मेकअप ट्यूटोरियल बनाने वाली हूँ। आज मैं एक वेडिंग गेस्ट मेकअप के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो मैं आज मेकअप ट्यूटोरियल पिंक साड़ी के ऊपर बनाने वाली हूँ वो आप किसी भी फेस्टिवल पर यूज़ कर सकते हो, किसी वेडिंग अंदर वेयर कर सकते हो, किसी भी फंक्शन में आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी एंड बहुत सटल सा मेकअप बताने वाली हूँ। तो अब मेरे मेकअप को मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले स्किन प्रिपरेशन करनी है। स्किन प्रिपरेशन के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, तो जल्दी से जाकर आप देख लेना। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वो वीडियो का लिंक, तो आप देख सकते हो स्किन प्रिपरेशन का। अब मैं मेरे फेस पर सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ शुगर की कूलिंग स्टिक। ये कूलिंग स्टिक इसलिए मैं मेरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि हम कोई भी मेकअप करते हैं या फिर कुछ भी वेयर करते हैं मेकअप के नाम का, तो हमको स्वेटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये कूलिंग स्टिक है जो हमारे मेकअप को एकदम सेटल रखता है, और हमारे फेस पर अगर हाइड्रेशन की कमी है तो उसको भी फिल कर देता है। तो अच्छे से मैंने मेरे पूरे फेस पर कूलिंग स्टिक लगा दी है। नॉर्मल सा मेरे हाथ से अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। अब आ जाती है प्राइमर की बारी। प्राइमर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का द मोस्ट एलिजिबल स्मूथनिंग प्राइमर, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको ओपन पोर्सेस पे लगा देंगे। अब आ जाती है फाउंडेशन की बारी। फाउंडेशन में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रेंज ऑफ कवरेज फुल कवरेज फाउंडेशन, जो कि शुगर का बहुत अच्छा फाउंडेशन है और बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। फाउंडेशन मैंने अच्छे से ड्रैग कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि ड्रैग के लिए हमेशा मना बोलते हैं, तो आज फाउंडेशन ड्रैग क्यों किया है? मैंने ओनली फॉर फाउंडेशन को लगाया है। अब इसको अच्छे से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। ये मेकअप मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा ईजी एंड क्विक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वेडिंग फेस्टिवल्स वगैरह में हमको टाइम नहीं मिलता है इतना एकदम प्रॉपर मेकअप करने का। तो ये थोड़ा क्विक मेकअप है, तो मेकअप बहुत ज़्यादा क्विक है और साथ ही साथ बहुत अच्छा मेकअप होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब आ जाती है कंसीलिंग की बारी। कंसीलर से हम हमारे पूरे फेस को अच्छे से हाईलाइट कर देंगे। टिप ऑफ द नोज, अंडर आई। तो कंसीलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है शुगर का। अगर आपको कंसीलिंग करने में थोड़ी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इस डायग्राम है पूरा कंसीलिंग करने का, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि बहुत बार रहता है ना कंसीलिंग कहाँ करें, तो ये प्रॉपर सारी जगह होती है कंसीलिंग करने की। ओनली फॉर मैंने मेरी लीड्स पर इसलिए कंसीलिंग की है कि मुझे एक अच्छा सा आई बेस मिल जाए। छोटे ब्लेंडर से मैं अच्छे से ब्लेंड कर दी हूँ कंसीलर को। अच्छे से ब्लेंड हो गया है कंसीलर और फाउंडेशन हमारा। अब इसको मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का बनाना पाउडर। अच्छे से मैंने फाउंडेशन और कंसीलर को सेट कर दिया है। थोड़ा सा पाउडर आईब्रो में फंसा हुआ है, तो वो मैं जब फिल करूँगी। अभी मैं फिल कर रही हूँ मेरी आईब्रो, तो पहले इस पॉलिश से थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर आईब्रो डिफाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ शुगर का आईब्रो डिफाइनर, और इसका शेड है 04। अच्छे से मैंने गैप्स को फिल कर दिया है। अब इसी के साथ जो स्पूली है उसको अच्छे से मैं कॉम्ब कर दूंगी। थोड़ा सा मैं इसको कंसील कर रही हूँ। मैंने मेरे आईब्रोज को एकदम नीट एंड क्लीन लुक दे दिया है। अब आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आज शुगर की पैलेट, जिसके शेड्स बहुत अच्छे हैं और इसका शेड है 03 फैंटेसी नाम है इस पैलेट का और बहुत ही अच्छे शेड्स के साथ है। इसके अंदर सारे न्यूड शेड्स दे रखे हैं और मुझे जो पिंक कलर चाहिए उसके अंदर अवेलेबल है। सो अब इसके साथ मैं मेरा मेकअप करना स्टार्ट करती हूँ। एकदम लाइट न्यूड कलर लेना है। अब थोड़ा डार्क प्लम्प कलर लेना है जिससे आईज थोड़ी पॉप आउट हो जाए। एकदम लाइट सा एकदम न्यूड मेकअप करना है, बहुत सटल सा मेकअप होना चाहिए। अब मैं मेरे इनर कॉर्नर में रोज़ गोल्ड कलर लगाने वाली हूँ। ये थोड़ा शिमरी कलर है जो कि बहुत आईज़ को बहुत अच्छा लुक देने वाला है। अब दोनों कलर को अच्छे से मिक्स करने के लिए वापस से ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, लाइट सा शेड उठा के मस्त ब्लेंड कर देना है। साथ में सारे कलर मिक्स हो गए। अब आईलाइनर की बारी। बहुत ही सिंपल मेकअप रखा है, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखेंगे क्योंकि क्विक एंड ईजी मेकअप करना है हमको। इसलिए फिर थोड़े से जो पिगमेंट्स गिर गए हैं उसको क्लीन कर देती हूँ। हल्के हाथों की हेल्प से मैंने कर दिया है क्लीन। और अब आ जाती है आईलाइनर की बारी। आईलाइनर में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का लिक्विड आईलाइनर। बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, 24 आवर्स स्टे करता है, वाटरप्रूफ है और एकदम इंस्टेंट सूखने वाला आईलाइनर है लगाने के बाद। आईलाइनर जैसे कि आप देख रहे हो मैंने लगा लिया है। पीछे से एकदम मैंने यानी विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है और आगे से एकदम पतला है और पीछे से मोटा है, जो कि आईज को बहुत अच्छा लुक देगा क्योंकि मुझे आज काजल नहीं लगानी है। तो थोड़ा सा आईज के नीचे भी मैं डार्क पिंक कलर का शेड है वो स्मज करूँगी क्योंकि मुझे काजल नहीं लगानी है। तो मैंने लाइट से एकदम डार्क पिंक कलर लगा लिया है जो कि आईज को बहुत अच्छा लुक दे रहा है। ये कंप्लीट लुक देता है। अगर काजल नहीं लगा और आंखों के नीचे हम थोड़ा सा शेड भी ड्रॉ नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा आंखें खाली खाली लगती है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। अगर इस जगह चाहे तो क्रीम कलर की काजल लगा सकते हैं, वाइट कलर की काजल लगा सकते हैं, चाहो तो ब्लैक भी लगा सकते हो, बट मुझे कोई काजल नहीं लगानी है क्योंकि मुझे सिंपल लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो एक आई का आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, सिर्फ मस्करा लगाना बाकी है। अब मैं दूसरे आई का आई मेकअप करके मिलती हूँ। अब आ जाती है मस्करा की बारी। आई मेकअप जैसे कि मेरा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ मस्करा बाकी है। तो मस्करा मैं यहाँ पर शुगर का यूज़ कर रही हूँ और इस मस्करा का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं मेरी हर वीडियो में बताती हूँ। इसका नाम है डबल डेट मस्करा और इसका काम वाकई डबल डेट जैसा ही है। कंप्लीट काम हो चुका है। फेस हमने एकदम प्लेन कर दिया है, तो अब इसको अच्छा डायमेंशन देने के लिए कटिंग होगी। तो मैं यहाँ पर शुगर की फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर कॉन्टोर, हाइलाइटर और ब्लश तीनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अभी मैं मेरे फेस पर कर रही हूँ कॉन्टोर। अब मैं लगा रही हूँ मेरे फेस पर ब्लश। इसके अंदर बहुत ही अच्छा एकदम न्यूड सा ब्लश है। ब्लश अच्छे से फेस पर अप्लाई हो गया है जैसे कि आप देख सकते हो। अब आ जाती है हाइलाइटर की बारी। तो हाइलाइटर इसके अंदर सिल्वर कलर का दे रखा है जो कि मुझे नहीं लगाना है। मुझे लगाना है रोज़ गोल्ड कलर का क्योंकि मुझे थोड़ा पिंकिश टाइप का मेकअप चाहिए था। तो मैं यहाँ पर शुगर की मिनी हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। हाईलाइट जैसे कि आप देख सकते हो अच्छे से मेरा फेस मैंने हाईलाइट कर दिया है, फेवरेट पार्ट हाईलाइटर। अब आ जाती है लिपस्टिक की बारी। लिपस्टिक लगाने से पहले थोड़ा सा लिप्स को हम मॉइस्चराइज़ कर देंगे। मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं यहाँ पर शुगर की लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। एकदम कम मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया है बट जो एक्स्ट्रा है वो निकल गया है। और यहाँ पर मैं लिपस्टिक न्यूड लगाना चाहती थी पर क्या कर सकती हूँ, मेरी जो साड़ी है उसका ब्लाउज़ है रेड, तो मुझे रेड लिपस्टिक वेयर करनी है, तो लिपस्टिक मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की वंडर वूमन सीरीज़ की। और ये लिप लॉकर लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, वाटरप्रूफ है एकदम और बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टे करती है। लिपस्टिक मेरी लग चुकी है। अब मैं मेरे पूरे मेकअप को अच्छे से सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ। सेटिंग स्प्रे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का मैट। यहाँ पर मेरा मेकअप डन हो गया है, आप देख सकते हो ये मेरा है मेकअप का लुक। अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरा फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने इस लुक के साथ पिंक साड़ी वेयर की है, रेड ब्लाउज जैसे कि मैंने आपको बताया था, और मेरी पूरी साड़ी के अंदर वाइट और सिल्वर कलर का वर्क था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ज्वेलरी वेयर की। इसमें हल्का सा गोल्डन टच है पर पता नहीं चल रहा है इतना। और इसी के साथ मैंने एकदम मैसी सा बन वेयर किया है, जो कि आप देख सकते हो एकदम मैसी, सारे बालों को एक साथ पिन में कर दिया और एक एक बालों को अच्छे से रोल करते हुए पिनअप कर दिया है। और साथ में ये दो फ्लावर लगा दिए हैं जो कि मेरे लुक को और इन्हेंस कर रहे हैं। और ये लुक आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग गया है तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखने मिलेंगे। और पूरा लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लग गया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर नहीं कर रखा है। और अगर आपको और किसी अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं ज़रूर बनाने का ट्राई करूँगी। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से मेकअप ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर विजिट करते रहो, रोज़ अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहती हैं।